हम अपने विद्यार्थियों को बेहतर जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। ये शब्द डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रधान एवं आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रमुख डॉ. पूनम सूरी ने महात्मा हंसराज के जन्म दिवस पर आयोजित समर्पण दिवस के अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में कहे। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि देश भर में फैले डीएवी शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को नैतिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के काम में संलग्न है। देश और दुनिया का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारे विद्यार्थी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे हैं। हमारा 138 साल का उपलब्धियों से भरपूर गौरवशाली इतिहास है। देश की आजादी की लड़ाई हो, खेलकूद का मैदान हो या प्रयोगशालाएं हो, आकाश की ऊंचाई हो या समुन्द्र की गहराई हो, हमारे विद्यार्थी अपने हुनर के कारण सबसे आगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समर्पण दिवस का आयोजन हम उन मूल्यों के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करने के लिए करते हैं जो महात्मा हंसराज और उनके साथियों ने तय किए थे। आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा और डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी प्रति वर्ष देश के विभिन्न भागों में महात्मा हंसराज की पावन जयंती को समर्पण दिवस के रूप में मनाती है। महात्मा हंसराज जी भी अनेक कष्टों को सहते हुए जीवन भर भारतीय जान परंपरा को जन जन तक समर्पण दिवस समारोह में डॉक्टर वीरेंद्र अलंकार द्वारा रचित कृति हंस मानसम का भी लोकार्पण संपन्न हुआ। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। महात्मा हंसराज के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका तपोनिधि महात्मा हंसराज मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। इस नृत्य नाटिका में लगभग 3000 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नृत्य नाटिका के माध्यम से महात्मा हंसराज के जीवन वृत्त के विभिन्न पहलुओं की प्रस्तुति की गई। नृत्य नाटिका की रूपरेखा व तैयारी डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के निदेशक डॉ. निशा पेशिन के मार्गदर्शन व देखरेख में संपन्न हुई। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।